नमस्कार जी, सबको मेरा धोक प्रणाम। जब हमारे घर पे नंदोई जी या जमाई जी आते हैं तो हम उनके खूब लाड चाव करते हैं और गीत भी गाते हैं। तो आज मैं आपको एक नंदोई जी का गीत सुना रही हूँ। इस गीत में ये बताया गया है कि एक जीजा और साला, दोनों सालों बहने एक पलंग पे सोए हुए रहते हैं। तो उनकी सालाइली जगाने के लिए आती है, तो दोनों ने एक जैसी ड्रेस पहन रखी है, तो सालाइली कन्फ्यूज हो जाती है और भूल के अपने पति की जगह अपने नंदोई को जगा देती है। तो फिर वो अपने नंदोई से माफ़ी मांग रही है, और क्या क्या गीत के माध्यम से क्या बता रही है, कैसे माफ़ी मांग रही है, वो इस गीत में बताया गया है। तो आप गीत को पूरा सुने और समझे, आपको बहुत आनंद आएगा। तो अब सुनो आप नंदोई जी का गीत। जैसो सापो राजन बांधे वैसो नैने दोई जी, जैसो सापो राजन बांधे वैसो नैने दोई जी, दोन्यों सूता एक पलंग पर साड़ो रे बेने उजी, दोन्यों सूता एक पलंग पर साड़ो रे बेने उजी, घूंघट सार जगावन लागी जाग गया नन दोई जी, घूंघट सार जगावन लागी जाग गया नन दोई जी, अब के माफ करो मैं ना जानी नन दोई जी, अब के माफ करो मैं ना जान्या नन दोई जी, जैसी लूंगा राजन पेरे वैसी नन दोई जी, जैसो डोरो राजन पेरे वैसो नन दोई जी, दोन्यू सूता एक पलंग पर साड़ो रे बेने उजी, दोन्यू सूता एक पलंग पर साड़ो रे बेने उजी, घूंघट सार जगावन लागी जाग गया नन दोई जी, घूंघट सार जगावन लागी जाग गया नन दोई जी, अब के माफ करो मैं ना जानी नन दोई जी, अब के माफ करो मैं ना जानी नन दोई जी, जैसी घड़ियां साजन बांधे वैसी नैने दोई जी, जैसी घड़ियां साजन बांधे वैसी नैने दोई जी, दोन्यू सूता एक पलंग पर साड़ो रे बेने उजी, दोन्यू सूता एक पलंग पर साड़ो रे बेने उजी, घूंघट सार जगावन लागी जाग गया नन दोई जी, घूंघट सार जगावन लागी जाग गया नन दोई जी, अब के माफ करो मैं ना जानी नन दोई जी, अब के माफ करो मैं ना जानी नन दोई जी।